हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बार फिर से मैं आप सबके सामने लाइव हुआ हूँ। इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, कुछ मुद्दा है जिस पे मैं आज बातें करूंगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और भी कुछ हमारे दोस्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम बातें शुरू करते हैं। चलिए, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा लाइव आने का, जो हमारा मुद्दा है, वो मुद्दा है अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर सेल्फ वर्ल्ड वाइड। यानी हम अपने आप का विस्तार कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को एक तराशने और तलाशने का काम कैसे कर सकते हैं। यानी आज जो मसला चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और पूरी वर्ल्ड अभी छोड़ते हैं, अभी अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो अभी जो हालात हैं रिलेटेड टू जॉब, यानी रोजगार से संबंधित, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस कोरोना पैनडेमिक की वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और बहुत सारी कंपनियां और बंद होने वाली हैं। यानी एक रिसेशन का दौर आने वाला है, तो ये बहुत बड़ा रिसेशन होगा। इस रिसेशन में क्या हम कुछ तलाश कर रहे हैं नया, या फिर हम घरों में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ होगा तो हम करेंगे, है ना? तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी अभी भी है। लेकिन हम अगर ये सोच लें कि अब तो बहुत महामारी फैली हुई है, कंपनियां बंद हो रही हैं, रोज़गार जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंटीमेशन दे दिया है लोगों को निकाले जाने का, तो यानी सबके रोजगार पे खतरा है, तो हम कैसे इसमें सर्वाइव करें? हमारा हमेशा सर्वाइवल मोड होना और सर्चेबल मोड होना, दोनों में फर्क है। अगर हम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए इंतजार में बैठे हैं तो फिर तो बैठे रहें, लेकिन अगर इसमें भी हम सर्चिंग मोड में हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम जब सर्च करते हैं, जब खोजते हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाता है। कहते हैं कि खोजने से तो खुदा मिल जाते हैं, रोजगार भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना ज़रूरी है, कोशिश करना ज़रूरी है। सिर्फ हम घर में बैठे हैं और इंतज़ार में हैं तो हम इंतज़ार करते रह जाएंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या, ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी है, कौन सा अवसर है जो हम कैच कर सकते हैं और अपने आप को वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं? वो भी मैंने जैसा कहा कि हम वर्ल्ड वाइड अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसे? अपने इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, हम इसको भी एक अवसर बना सकते हैं। यानी एक ऐसा रेवोल्यूशनरी एरा जो शुरू होने वाला है, यानी उसको हम दूसरा नाम सुनते आए हैं या सुन रहे हैं कि 21वीं सदी का व्यापार। क्या है ये 21वीं सदी का व्यापार? बहुत सारे रचनाकारों ने, साइंटिस्टों ने, अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका नाम 21वीं सदी का व्यापार रखा है, आखिर उस व्यापार में है क्या, क्यों वो रेवोल्यूशन बनने वाला है 21वीं सदी में, ये हमें सोचना होगा। क्योंकि हम जो कर रहे हैं सिर्फ वही करते रहेंगे, तो जो पा रहे हैं या जो पा रहे थे
शायद वो भी नहीं पाते रहे जो आगे के सिचुएशंस हैं, क्योंकि आगे के सिचुएशंस काफ़ी क्रिटिकल हैं, रिसेशन वाले हैं, तो उसमें हम कैसे उस सिचुएशन से भी फाइट करें, हमें इस पे बात करना होगा, हमें इस पे मंथन करना होगा। पहले तो हम ये सोचें कि हमने जो गोल बनाए हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उस गोल्स को अचीव करने का मेरे पास क्या रास्ता है। क्या ऐसे सिचुएशन आने के बाद हम उस गोल्स को भूल जाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योर गोल। अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया है, आपके पास गोल नोट किया हुआ है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, उस गोल को आगे लेकर के हम बढ़ सकते हैं, उसके लिए हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। कहते हैं ना कि सिर्फ लक्ष्य तय करने से नहीं होगा, लक्ष्य तय कर लिया तो लक्ष्य के अकॉर्डिंग हमारे अंदर लक्षण में भी बदलाव लाना पड़ेगा, हमारे लक्षणों को भी उसके अकॉर्डिंग मैप करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, हमारे अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं, मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को हर कोई ग्रैब कर सकता है, हर कोई इस पे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, हर कोई अपना टैलेंट यहाँ दिखा सकता है। बात करें एक ऐसा रोजगार जो 21वीं सदी का रोजगार होने वाला है, तो उस रोजगार में या तो हम उसके पार्ट बन जाएं, या हम उस रोजगार से, यानी कुछ काम हो रहा है तो उसमें कुछ पैदावार होगा, उसके यूज़र बनते हैं, या तो हम उसके यूज़र बन जाएं। तो हमें तो अपने, अगर बड़े गोल्स हैं, बड़े ड्रीम्स हैं, या अपने आप को सक्सेसफुल करना है, तो हमें उसमें अवसर तलाशना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, अपने आप के अंदर के टैलेंट को निकालना पड़ेगा, उसे निखारना पड़ेगा। जैसा कि मैंने नाम रखा है ना इस टॉपिक का, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर सेल्फ वर्ल्ड वाइड, यानी कि अपने आप को तराशने और तलाशने का काम है। आप अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है? अगर है तो मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने पोटेंशियल को हमारे प्लेटफॉर्म के अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ मैच करके उस पे अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो क्या है उसमें खासियत, क्या है वो, क्यों रेवोल्यूशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गोल आप सेट करेंगे, आप उस रेवोल्यूशनरी एरा में आप देख सकते हैं, उसमें आपका विजन क्लियर हो सकता है। हाँ, वो उतना ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं इस टॉपिक में घुस सकता, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है उसका। अगर डीप नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस लाइव सेशन के बाद मैं कांटेक्ट डिटेल भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन रही बात के अभी मैं जिस मुद्दे पे हूँ, उस मुद्दे से भटकना नहीं है, हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए उस प्लेटफॉर्म में क्या ऐसी ताकत है, उस इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है उसमें क्या ताकत है। तो मैं दो चार पॉइंट्स आपको बता दूं मेन एक ओवरव्यू के तौर पे, कि उसमें जो भी पॉइंट्स हैं हमारे पास वो अनलिमिटेड फॉर्म में है। अनलिमिटेड का मतलब कि आपको वहाँ सपोर्ट भी अनलिमिटेड मिलेगा, आपको अपने आप का, आपके सेल्फ डेवलपमेंट कराने के लिए आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा, यानी वो अनलिमिटेड। लर्निंग टू ग्रो, यानी कि हम अपने आप को ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या सीखना चाहिए, हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट होना चाहिए, उस टैलेंट को भी हमारे जो मेंटोर होंगे या जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो इतना सपोर्ट करता है कि हम अपने आप को लर्निंग मोड में ला करके उस लायक बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिना लर्निंग के तो कोई काम नहीं हो सकता। एक सिंपल सा साइकिल चलाने के लिए भी हमें लर्निंग मोड में आना पड़ता है, यानी सीखना पड़ता है, हम सीख करके उसे भी चलाने लगते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप किसी और जॉब में थे, किसी और बिजनेस में थे और वो ठप हो चुका है या बेरोजगार हो चुके हैं और एक नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो उसमें आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते। बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत नहीं है,
आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो ताकत है, पोटेंशियल आपको नजर आता है, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे भी काश अगर एक अच्छा मौका मिलता तो मैं भी दिखा देता लोगों को, वो वाली बात यहाँ सूट करती है। अगर आप में ये चाहत है, सिर्फ चाहत है, तो उसको यहाँ आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में वो ताकत है। इस प्लेटफॉर्म की खासियत एक तरह से देखें तो चाहे जो खासियतें आपके मन में आ रही हो उसमें अनलिमिटेड लगा लेना आगे, चाहे वो किसी तरह के सपोर्ट की बात हो। आपके मन में अगर आए कि मेरा कोई साथ देगा तब मैं कुछ कर पाऊंगा, बिल्कुल साथ देगा, यहाँ साथ का ही बिजनेस है। यानी कि यहाँ इस बिजनेस में, इस फील्ड में लोग आपको रेस्पॉन्सिबल मिलेंगे, यानी हम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के किसी को ऑफर करते हैं। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमने आपको ड्रीम्स और गोल्स आपके जगा दिए हैं, आपको दिखा दिए हैं, आप क्रिएट कर चुके हैं आपका गोल, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका हाथ तब तक ना छोड़ें जब तक आप उस गोल को अचीव ना कर लें। इस व्यापार का, इस बिजनेस की खासियत यही है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सक्सेस हो चुके हैं। आज के दौर में अगर देखें तो इंडिया में लाखों लोग सक्सेस हो चुके हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, और वो आपका साथ देते हैं, वो आपको टीच करते हैं। यानी कि जो बंदा अगर महीने में लाख दो लाख कमा रहा है वही आपको सिखा भी सकता है, जो 10-20 हज़ार कमा रहा है आप उसके पास जा कर के सीखना चाहें, उससे बात करना चाहें, उसको बोलें कि भैया सिखा, मुझे भी बता कुछ इस तरह का बिजनेस है क्या, कुछ इस तरह का काम है क्या, मुझे भी करना है, तो वो आपको 10-20 हज़ार कमाने की ही राय देगा, वही टेक्निक बताएगा, वही काम बताएगा। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस जगह लोग लाखों में खेल रहे हैं, लाखों, 2 लाख 5 लाख 10 लाख भी कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उसकी संगति में रहेंगे, उससे सीखेंगे, तो वो बंदा ही सिखा सकता है कि भाई वो 2 लाख कमा रहा है तो आप कैसे 50,000, 60,000, 70,000 लाख रुपए कमा सकते हैं। जो नहीं कमा रहा है वो नहीं सिखा सकता, लेकिन जो कमा रहा है वो आपको सारे गुण सिखा सकता है कि हाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे परफॉर्म करना है। तो इस प्लेटफॉर्म की यही खासियत है, आपके मन में जो भी आ रहा है उसमें आप अनलिमिटेड लगा लीजिए, यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल है प्लेटफॉर्म में। आपके अंदर वो अगर कॉन्फिडेंस है, आप अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस के साथ आइए, देखिए यहाँ परफॉर्म करके आपके अंदर के सारे गुणों को ये निखार देगा, यानी ये प्लेटफॉर्म आपके अंदर वो आग जगा सकता है। बात करते हैं आगे, इस प्लेटफॉर्म को हम रेवोल्यूशनरी क्यों कह रहे हैं। हर युग में कुछ ऐसा रेवोल्यूशन होता है। एक जमाना था जब वाटर रेवोल्यूशन भी हुआ था, एक टाइम था जब इंटरनेट रेवोल्यूशन भी हुआ था, एक टाइम था जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन भी हुआ था। उसी तरह से इस इंडस्ट्री का भी रेवोल्यूशनरी एरा है, रेवोल्यूशनरी पीरियड स्टार्ट होने वाला है। इस रेवोल्यूशन को आप अपना कर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में वो खासियत है, एक अपकमिंग इंडस्ट्री है, और वो भी छोटे स्तर पे नहीं, बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े लेवल पे, एक वो इंडस्ट्री जो ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। आप सोच सकते हैं ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, आप आंकड़ा मिला करके देखिए, सोच करके देखिए कि ये इंडस्ट्री कैसे, कितनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अच्छा, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने क्यों वाली है, क्यों रेवोल्यूशनरी होने वाली है, क्योंकि ये हर एक एक इंसान की नीड है, हर एक एक इंसान की नीड है, और वो भी नीड कई तरह से है। एक तो सबको रोजगार चाहिए, उतना रोजगार है नहीं हमारे पास, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, यानी अनलिमिटेड फॉर्म में आप रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इसलिए इस प्रोजेक्ट में मैं वो अनलिमिटेड पोटेंशियल देखता हूँ। जब अनलिमिटेड पोटेंशियल है तो अनलिमिटेड आप इनकम भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड आप गोल बनाइए ना, गोल भी 3 तरीके से बनता है, गोल भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए।
शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, छोटे छोटे गोल्स भी बनाइए, वो भी अचीव कर सकते हैं। यानी अनलिमिटेड गोल, एक अचीव कर लिया, दूसरा गोल बनाइए, तीसरा गोल सेट कीजिए, उससे बड़े गोल सेट कीजिए, और हम सारे गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं इस प्लेटफॉर्म में वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है। चलिए और आगे बातें करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग, बहुत सारे हमारे यूथ, हमारा यूथ जो है आज के डेट में एक तरह से देखा जाए तो 70% लोग बेरोजगार हैं। अगर एक पोस्ट कहीं वैकेंसी निकल जाती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट ही क्यों ना हो, उस एक पोस्ट के लिए हजारों लोग अप्लाई कर देते हैं। आपने पीछे अखबारों में भी पढ़ा होगा कि कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है, वो भी बिल्कुल लोअर क्लास पोस्ट के लिए, और उसके लिए एक से एक डिग्री होल्डर वाले भी अप्लाई करते हैं। बीटेक, एमबीए, इस तरह के डिग्री ले ले करके, मास्टर डिग्रियां हासिल कर करके लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वो भी पोस्ट निकला 50-60, अप्लाई होता है 3-3, 4-4 लाख। एक न्यूज़ आपने वो भी देखा होगा आप लोगों ने कि पढ़े लिखे लोग, नाला साफ करने वाले का जब वैकेंसी निकला था तो लोग नाला साफ करने के लिए कूदे हुए थे, उसमें एक से एक बड़े से बड़े डिग्री वाले भी थे, और सब इतने कंपटीशन के साथ उसमें लाइव डेमो करके इंटरव्यू लिया जा रहा था। यानी नाला साफ करके दिखाओ फिर हम तुमको रिक्रूट करेंगे। यानी आप सोच सकते हैं कि बंदे उस इंटरव्यू के लिए नाले में कूद कूद करके और अच्छे से नाले को सफाई कर रहे थे और इतना बेहतर परफॉर्म कर रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। सोच सकते हैं कि ये स्तर कितना नीचे आ चुका है रोजगार पाने का। इसलिए रोजगार पाने के चक्कर में ना रहें, रोजगार देने वाले बने। लेकिन रोजगार देने वाले बनने के लिए आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाशनी पड़ेगी जहां आप बिना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए आप ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं और उन्हें भी मौका दे सकते हैं वेल परफॉर्मर बनने का, गोल अचीवर बनने का, जॉब क्रिएटर बनने का। लेकिन सबसे पहले हमें तो कोशिश करनी पड़ेगी, हमें तो अपना गोल बनाना पड़ेगा। अगर हमें सक्सेसफुल होना है, इस तरह का कुछ गोल है, तो हमें घर में सिर्फ बैठ करके इंतजार करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए हमें सर्चिंग मोड में आना पड़ेगा। और अगर आपके सामने इस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसके अंदर देखना पड़ेगा, उसके अंदर की पोटेंशियल को फील करना पड़ेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा। यानी उसके लिए आपको तलाशना पड़ेगा कि हाँ, इसमें ऐसा क्या खासियत है जिससे मैं अपने आप को, अपने अंदर के टैलेंट को निकाल सकता हूँ, निखार सकता हूँ, अपनी लाइफस्टाइल बदल सकता हूँ। उसके लिए आप कोशिश करना पड़ेगा। बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, बैठे बैठे किसी के दरवाजे पर अपॉर्चुनिटी नहीं जाती है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ता है, ऐसे अवसर की तलाश में रहनी पड़ती है, और अवसर मिलने के बाद उसके सिस्टम को फॉलो करके हम बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। इसलिए सिर्फ लक्ष्य नहीं बनाना है, अपने लक्षण को बदलना पड़ेगा, एक्शन मोड में आना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। इसलिए रेस्पॉन्सिबल बनिए, रेस्पॉन्सिबल बन के ही हम अपने लक्षण को बदल सकते हैं, अपने अंदर डिसिप्लिन लाकर अपने लक्षण को बदल के हम लक्ष्य को पा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जहां से हम हर वो चीज पा सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड फॉर्म में, जो हम पाना चाहते हैं। इसलिए कोशिश तो हमें करनी ही पड़ेगी। वो कहते हैं ना, एक बहुत बड़े लेखक श्री अमिताभ बच्चन जी के
फादर का लिखा हुआ है जो कि मुझे बहुत प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश तो करना पड़ेगा। अगर हम डर करके बैठे रहे कि मालूम नहीं आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, तो हम तो बैठे ही रह जाएंगे। यानी हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, या जो कर रहे थे और जो पा रहे थे वही करेंगे तो वही पाते रहेंगे। और आज के डेट में तो जो कर रहे थे, अगर कोई नौकरी अच्छी कर रहे थे तो उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। और बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई अभी बेरोजगार भी हो गए हैं, नौकरियां जा रही हैं, रिसेशन का दौर आ रहा है। तलाशने की ज़रूरत है कि कौन सा ऐसा रोजगार है या कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो रिसेशन प्रूफ है, जिस पे इस रिसेशन का कोई असर नहीं है, इस रिसेशन का बैड इफेक्ट, बैड इम्पैक्ट नहीं है। अगर उस इंडस्ट्री पे बैड इम्पैक्ट नहीं है तो आप सोचिए उस इंडस्ट्री को चलाने वाले हम आप ही चला सकते हैं। तो अगर हम उस इंडस्ट्री में हैं तो जब इंडस्ट्री पे बैड इम्पैक्ट नहीं है तो हमारे ऊपर भी बैड इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करने की ज़रूरत है, कोशिश हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमेशा सर्चिंग मोड में रहना पड़ेगा, हमें हमेशा तलाश करना पड़ेगा। अब आप ये सोचें कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसका रेवोल्यूशनरी एरा स्टार्ट होने वाला है, रेवोल्यूशनरी पीरियड स्टार्ट होने वाला है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो बूम पे जाने वाली है, जहां हम हर वो चीज़ पा सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड फॉर्म में, वो भी वर्ल्ड वाइड। हम अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करें वर्ल्ड वाइड, तो ये हमें सिर्फ एक जगह बैठ के रहने से नहीं होगा। आज हाईटेक ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम घर में बैठ के अपने आप को वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम अपने घरों से अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पूरे वर्ल्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहते हैं ना अपने साम्राज्य को फैला देना, तो पूरी दुनिया में हमारा साम्राज्य हम कैसे फैला सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल मैं बात नहीं कर पाऊँगा, इतना ज़्यादा टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। और अगर इसके बारे में, इस रेवोल्यूशनरी एरा, रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री, ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में अगर बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी चाहिए, या इस पे अपने आप को आप सोच रहे हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर अगर वो आग है, तो आप आइए मिलके करते हैं कुछ नया, मिलके करते हैं वो रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन, हम लोग भी ला सकते हैं। कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा। तो अगर है कॉन्फिडेंस तो आइए मिलके कुछ बड़ा करेंगे। जो भी गोल्स हैं लाइफ में, हम वो सारे गोल अचीव कर सकते हैं। जो भी सपने हमने देखे हैं, वो सारे सपने हम देख सकते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स ने जो हमसे एक्सपेक्ट किए हैं, जो उनके सपने हैं, वो भी पूरे कर सकते हैं। मैक्सिमम डिटेल्स के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, लिंक मिल सकता है आपको, मिल जाएगा, और आप वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया, टाइम निकाला और मेरे साथ, मेरे बातों को आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से मैं फिर लाइव आऊँगा। इवन बहुत सारे ऐसे जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी मेरे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने लाइव आएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, बहुत सारे सक्सेस टेक्निक्स बता सकते हैं, जिसका आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो हर थर्सडे और हर संडे दिन के 12 बजे आप मेरे लाइव सेशन प्रोग्राम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारे फ़ायदे यहाँ से उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।
बाय।